हाँ जी अच्छा जी। तो गाइस इसने बोला है आज मेरा डे टू है तो मैं कलर्स करूंगी। तो मैंने जैसे कि आपको कल के ब्लॉग में भी दिखाया था कि मैंने ना इसके डेज बांध रखे हैं कि एक दिन, क्योंकि आयरा क्या करती थी ना, वो एक दिन में सारी कर देती थी। तो पता है ये, एक मिनट पहले मैं बात कर लूँ। तो मैंने इसको समझाया है कि आपको रोज एक अल्फाबेट पे करना है। तो ये इतनी एक्साइटेड रहती है, नहाने में भी बहुत जल्दी करती है, ब्रश करती है, नहाती है, और नहा के तैयार होके सीधा ये ड्राइंग बुक मांगती है मुझसे। और कल की आप इसकी ड्राइंग देखिए गाइस, ये देखिए। और ये भी जो एरोप्लेन में यहाँ जो हुआ है ना, इसी गलती नहीं है। ये देखो एरोप्लेन में इन लोगों ने यहाँ पर एक लाइन दे रखी थी खुद ही, है ना, और यहाँ नहीं दे रखी, देखो आप। तो वो उसने अपने दिमाग से, मैंने बिल्कुल आइडिया नहीं दिया, अपने दिमाग से कलर वगैरह सब चूज किए। शोनो आराम से बैठो। तो बस अब बारी आती है किसकी, बी फॉर बॉल और बी फॉर बनाना। आपको इनको देख देख के करना है, जो कलर इसमें है वो आप इसमें करना, सब है कलर्स का है। अभी देखते हैं। तो लीजिए आपकी कलर्स और अब आप करने बैठिए, ठीक है? हैप्पी, इधर देख के बोलो ना, ठीक। तो बस ये आज की मेरी जो थाली है वो आपको काफ़ी फुलर लग रही होगी। काफ़ी टाइम बाद कुछ मतलब ऐसा फुलर है, ऐसे ज़्यादा मतलब इतना भी वो नहीं है। ये मेरा पोहा है, ये एक अंडा कभी कभार मैं ले लेती हूँ, क्योंकि प्रोटीन भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर ये ज़रूरी चीज़ें नहीं लेंगे ना तो वज़न वैसे भी कम नहीं होने वाला। जो हमें खाना होता है वो खाना होता है। तो फिर आज मैंने अंडा ले लिया था, मन कर रहा था, लेकिन ये अचानक आया क्योंकि मैं ये भूल गई थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन मैंने ये बनाया था। तो ये थे कटलेट, ये मैंने तो मतलब ऐसे स्टीम वाले खाए थे पिछली बार। आज बच्चों के लिए ना ये मतलब शैलो फ्राई करें, पूरा फ्राई तो नहीं करा, तो सोच रही हूँ आज ये एक खा लेती हूँ, देखती हूँ कैसे लगता है। अच्छा लगा तो पूरा खा लूँगी, नहीं लगा तो आधा खा लूँगी। और ये रही मेरी गर्मा गर्म चाय। तो बस ज़्यादा बात ना करते हुए अब मैं करती हूँ अपना नाश्ता। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरी चैनल जुम जुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि बेहतर होंगे। और यहाँ पर सोनू सो रहा है, दूध पीते पीते सोनू सो गया है, और मैं कर रही हूँ लंच टाइम। लंच टाइम नहीं मतलब लंच कर रही हूँ, लंच टाइम हो गया है। तो आज मैं खा रही हूँ बिरयानी, थोड़ी सी चटनी है, और इसके साथ मैंने ये आधा ग्लास छाछ ले लिया है। तो ये बिरयानी मम्मी ने मतलब बाजी ने बनाई थी और बस घर से आई है। तो चलो अब हम लोग इसे इन्जॉय कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। सीधी करो चप्पल, सीधी करो हाय कर दो, पास आओ। कहाँ जा रहे हो ये बताओ। अच्छा, इनके ट्यूशन में पार्टी है, मैम ने बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, बता नहीं सकते किस खुशी में। गाइस मैं आपको चुपके से बता दूंगी। नहीं बता, कौन सी मैम है, अच्छा, और किस खुशी में पार्टी हो रही है ना। तो आयरा का ये सूट दादी ने सिलवाया था तो आयरा ने ये पहना। चलो बाय बाय। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल जुम्जुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको थोड़ी सी तैयार लग रही होंगी। एक्चुअली मैं थोड़ा रील वगैरह बना रही थी, शॉर्ट वीडियोस। तो मैंने कहा चलो आज मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी स्टॉक था सब खत्म हो गया। मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ जैसे टाइम निकाल के बीच में बना लेती हूँ, फिर मतलब एक एक करके मैं रोज़ पोस्ट कर देती हूँ। लेकिन शाम का टाइम हो गया, मुझे लग रही है बहुत जोर से भूख। तो बस मैं खा रही हूँ यहाँ पर एप्पल, और आज मैंने मतलब बिछाई है न्यू बेडशीट। अरे मेरा चश्मा, ये ज़रूर शोरूम ने फेंका होगा। हाँ, तो आज मैंने यहाँ पर न्यू बेडशीट बिछाई है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और ये मुझे मम्मी ने दी थी मेरे बर्थडे के गिफ्ट में, आप लोगों को याद होगा, है ना। तो बस हल्का फुल्का मैंने मेकअप किया है, बहुत न्यूड सी लिपस्टिक लगाई है, जो कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि अभी आपके ऊपर यही लिपस्टिक अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो मैं लगा लेती हूँ, अभी आप देखो अभी पतली हो जाए। एक्चुअली काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है, मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ज़रूरी चीज़। आपको पता है जब हमारे भैया की शादी हुई थी ना, मतलब मेरे भैया की, तो उनकी शादी में ना उनके बेस्ट फ्रेंड आए थे और उनका नाम था हुसैन भैया। वो पता है इतने सुंदर थे और उनकी बीवी उनसे भी ज़्यादा सुंदर, दोनों बहुत सुंदर थे। मतलब सबकी निगाहें ना उन लोगों पे टिकी हुई थी कि वो इतने सुंदर थे। और फिर उसके बाद अपी की इनायत हुई थी ना, तो अपी ने हकीका किया था, तब वो आई थी, तब उनका एक बेटा हो गया था, तब वो आई थी। तो वो पता है इतनी मोटी हो गई थी लाइक जिससे मैं अब हूँ। और भैया की शादी पर आई थी वो ऐसी मतलब सीख सी थी, बहुत ही पतली, जिसे कहते हैं ना स्किनी बॉडी, वो थी, बहुत सुंदर लग रही थी।
और जब वो हकीकी पे आई तो वो मेरे जैसी इतनी मोटी हो गई। तो जो बहुत सुंदर जब वो लग रही थी ना, मतलब फीचर तो बंदे के वही रहते हैं ना, बट वो पता है सारे फीचर ढक गए और वो मतलब अजीब सी लगने लगी। तो उससे समझ में आया कि जो मोटापा होता है ना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोगों का सत्यानाश कर देता है। तो वही मेरा भी हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सुंदर हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि ठीक ठाक दिखने वाली शक्लें भी बेकार लगने लगती हैं, वो अजीब इंसान लगने लगता है। जब मैं पति हो जाऊँगी ना तब आपको यकीन होगा कि मैं भी सुंदर थी। चलो अब आपसे बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब मैं खा लेती हूँ अपना एप्पल। आप लोगों को तो शायद हो भी जाए, जिसे होना है ना वैसे उनको मैं ब्यूटी वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, बट वो हैंगे थोड़े से मिस्टर इंडिया। मैं वो लोग ना सुनती हूँ ना, करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, मुझ पर ही सूट करता है। वो दिखते नहीं हैं, वो सुनाई नहीं देते, वो सुनते भी नहीं हैं। गांधी जी के तीनों बंदर उनके अंदर इंस्टॉल है। तो चलो अब बातें बहुत सारी हो गई है, मैं एप्पल खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे बात। हाँ आप लोग पार्टी में गए थे, क्या मिला? चिप्स मिला। और अरे आप उठ के बैठ के बताइए, आप सारी कहानी बताइए, उठिए उठ के बैठिए, हर गए इससे अच्छे से बात कीजिए। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आज आरा के ट्यूशन में पार्टी थी, और आरा ने इतना फेंका था, हमें ये मिलेगा, हमें छोले भटूरे मिलेंगे, हमें पाव भाजी मिलेगी। मेरा मुझे तभी से हंसी आ रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैम टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, और फिर ट्यूशन में इतने सारे बच्चे कौन बनाएगा इतने सारे बच्चों के लिए छोले भटूरे ये वो। और वही हुआ, अच्छा भेजा था फिर मिले नहीं। ओहो बेचारी आरा, तो दोपहर से खाना भी नहीं खा रखा, निकम्मों ने सुबह का नाश्ता कर रखा है, और घर में इतनी सारी चीज़ें, पता दादी ने आपके लिए बिरयानी भिजवाई थी। वो अभी नहीं खाई है उसके चक्कर में कि नहीं हम तो पार्टी में जाएंगे। अब इनकी शक्लें देखो पार्टी वालों की, मिला है पार्टी में ये चिप्स वगैरह मिले हैं, फ्रूटी मिली है, मतलब वही जो बच्चों की पार्टी होती है। तो इसलिए कहते हैं अपनी मम्मियों की बात सुननी चाहिए, थोड़ा सा खा जाती तो अच्छा रहता। ठीक है उसके आगे बैठ गई और इसने जो है ऐसे करके उंगली सब नोच लिया। और मैंने दूर से आवाज दी, मैं ये लड़की तो मेरी तरफ देख के हंस रही। अच्छा। और तो मैंने इसके हाथ में से दिया तो हंस रही। अच्छा। ये बहुत चालू चीज। हां जी किसी को काम करने दोगी कि नहीं दोगी या अपनी मर्जी चलाओगी? हां जी आज सुबह से वीडियो में नहीं आई हो डाकू। हाँ डाकू मंगल सिंह। हां जी चलना लिबा चुप हो जाओ, चलना सीख गई है, चलना सीख। अच्छा नीचे सुटा के खाती हो, सॉरी कर लो। कौन करे सॉरी, अरे हटो, मैं तो सॉरी मंगवाने वालों में से हूँ। सुनो अच्छा ताली, हैप्पी बर्थडे कर लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चोनू का हैप्पी बर्थडे करना तो खूब आता है ना चोनू? चोनू सही रही, चोनू नहीं गई पार्टी में, चोनू ने घर पे ही पार्टी मनाई है चोनू, है ना? कहाँ चली आज ना? मैं खुद को भी अच्छी लगी अपने आप को, कभी कभी होता है ना, ये देखो चादर का क्या हल कराए। हाँ कभी कभी होता है ना, बंदा खुद को भी अच्छा लगता है, मतलब कभी कभी तैयार भी हो जाना चाहिए सब। आइए लेडी उंडी, आइए इधर देखिए सोनू, इधर देखिए सोनू, पता नहीं किस किस चीज़ की फिराक में गिर गए। सोनू बेचारी बिन बिन खा रही, क्यों तुम्हें चीज़ नहीं मिलती? ऐ हंसो नहीं मुझ पे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। याद आया कल मैंने व्लॉग डाला था, कल नहीं परसों जब भी डाला था आप देख लेना, तो उसमें ना मैंने वो बताया था कि वो जो ईयरबड है वो सोनू ने खा लिए थे तो वो उसकी पॉटी में निकले। हाँ तो वो मैं बता रही थी कि वो जो ईयरबड है वो सोनू की पॉटी में निकले, तो मैंने उसे वॉश करके और फिर मैंने बताया अपने दिल की बात कि हाँ मैंने उसे यूज़ कर लिया। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, काफ़ी मुझे पता था वैसे आएंगे, लेकिन मेरी एक आदत है मैं ना कभी सच छुपाती नहीं हूँ या फिल्टर करके कुछ बताती नहीं, मैं जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ। तो मुझे पता था काफ़ी लोग मुझे ट्रॉल करेंगे, और वही हुआ, काफ़ी लोगों ने ची तुम कितनी गंदी हो, तुमने ये क्यों किया, 10 रुपये के आते हैं ये वो बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली। हाँ तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने मुझे बोली, तो यार आपकी भी गलती नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबके कुछ लोगों ने कुछ बात पे ध्यान भी नहीं दिया,
लेकिन 80% लोगों ने मुझे ट्रॉल किया है, तो मैं ना उसकी ऐसी कोई सफाई नहीं दे रही। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ना, हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे ना मेनाज ने ये बताया था कि एक ऐड है और उसमें ना एक लड़की होती है, वो अपने पापा से अपने बॉयफ्रेंड को मिलवाती है शादीवादी के लिए शायद। उसने जो मुझे बताया, मैं आपको बता रही, मैंने देखा नहीं है। तो उसमें ना जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो मतलब कॉफ़ी बना के अपने मतलब लड़की के पापा को देता है, तो वो कॉफ़ी बहुत टेस्टी होती है। तो उसके पापा बोलते हैं लड़की के कि कॉफ़ी बहुत टेस्टी है, तो वो लड़की भी कहती है कॉफ़ी बहुत टेस्टी है। तो कहता है लड़की का पापा, तो पता नहीं कौन बोलता है कॉफ़ी बहुत टेस्टी, मुझे नहीं पता। तो लेकिन लड़की का बाप कहता है कि हाँ इसमें क्या है, कॉफ़ी ही क्या कहता है, हमारे पास ये बहुत बड़े बड़े बागान हैं और ये है वो है, हमारे मतलब कॉफ़ी होती है वहाँ पर, कॉफ़ी की खेती होती है, ये होता है वो होता है। तो लड़का कहता है पता नहीं क्या नाम होता उस कॉफ़ी का, मैं तो भूल गई, खैर आप लोगों को पता होगा, आप लोग इतने समझदार हैं। लड़का पता नहीं उस कॉफ़ी का क्या नाम बताता है, ये वो है। तो वो कहता है हाँ तो वो क्या हो गया, हमारे बागानों में भी होती है ये वो। तो फिर लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों हंसते हैं और अपने मतलब लड़की अपने पापा को देखती है। फिर वो बताया जाता है कि वो कॉफ़ी है और वो किसी बागान में और कहीं नहीं बनती, वो ना मतलब बाहर फॉरेन में एक कॉफ़ी होती है, वो एक कैट को खिलाई जाती है, कैट खा के फिर जो वो स्टूल पास करती है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में वो जो सिंपल लैंग्वेज में वो जो पॉटी करती है, उस पॉटी को प्रोसेस करके वो कॉफ़ी बनाई जाती है और वो लोग उसे पीते हैं और वो बहुत टेस्टी होती है। तो कम से कम उनसे तो बेहतर है ना भाई। मैंने तो उसको वॉश करके साबुन से अच्छे से धोया था और इवन जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना वो भी घिसा था उसके ऊपर, तो वो क्लीन हो गया था। अब मेरा मन कर रहा था, मतलब मेरा मन मान रहा था, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब ये सब चीज़ें ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। हाँ तो कहने का मतलब यह है कि वो कॉफ़ी इस तरह से बनती है। बच्चे बात नहीं करने देते, बच्चे अगर घर में, पीछे देखिए ये इन्होंने नीचे बिस्तर लगा लिया है, ये जो ना करे ना वो कम है। फिलहाल तो मैं भी नीचे ही बैठ गई हूँ, अब मुझे काम करने जाना है, क्या क्या करूँगी। हाँ और खाएंगे क्या, कल के ब्लॉग में आपने देखा था वो सब सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है, तो आज हम वही खाएंगे, मैं कुछ नहीं बना रही, इसलिए आज मैंने शॉर्ट रील वगैरह बना ली क्योंकि आज मेरे पास टाइम था। बाबूजी भी कहीं बाहर गए, शाम तक रात तक शायद आ जाएंगे, तो डिनर हम लोग साथ करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि खैर मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोले, सबकी अपनी सोच होती है और सबका अपना मन होता है, आपको हक है बोलने का, आप बोल सकते हो, आई डोंट माइंड। अरे मैं कह रही हूँ भाई इधर ले जाइए, अभी मेरे ऊपर ले चली और मेरे ऊपर रजाई तो पूरी है मम्मी। लेट नहीं रही? हाँ लेबल इधर लेटना है। हाँ, मेरी मर्जी चली। अच्छा जी, और ये देखो लिबाफो को, शोनू को देखो, क्या शोनू अप्पी का दूध उठाया है, क्यों उठाया है गाइस, ये सुसु दूध लेने आई है और चलाकी देखिए कितनी खेली है इसने, इसने अप्पी का दूध उठा लिया, अब ये दूध इसके मुंह पे सारा गिर गया ना, अब अपना उठा रही है, देखो चलाक लोमड़ी को देखिए गाइस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहा ली दूध से नहा ली है, रात का सोने का टाइम हो गया और इन लोगों की मस्ती शुरू। चलो मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, जरा मैं उनसे बात कर लूँ, फिर आपसे करती हूँ।